सो वी वर ऑन सेकेंड पॉइंट टू डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर्स मीन्स ये तय करना कि कौन कितने टाइम तक कैसे काम करेगा, किसके वेजेस कितने होंगे. ओके ऐसा नहीं कि एक ही इंसान पर पूरा का पूरा प्रेशर आ जाए. ऑल राइट चलो नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट दैट इज हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड देखो आई हैव रिटन योर कल है मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कंपनी में. वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट दी मैनेजमेंट एज वेल एज दी एम्प्लॉयज. वॉट टेलर एम्फसाइज्ड टेलर एम्फसाइज दैट देर शुड बी कम्प्लीट हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड वर्कर. देखो बेटा दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट इज हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. डिस्कॉर्ड ठीक है. सो वॉट इज इन दिस पॉइंट ऐसा महसूस किया एफ डब्ल्यू टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स किया कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं होते तो सब बेकार है. उन्होंने इसे नाम दिया मेंटल रेवोल्यूशन का. ये सेपरेट टॉपिक है जिसे आप पढ़ोगे भी. मेंटल रेवोल्यूशन बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर वर्कर्स. इट मीन्स दोनों ही पार्टीज को दे शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग ताकि कंपनी में हारमनी हो एकता आए. अगर मैनेजमेंट को वर्कर्स की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट को शेयर करना चाहिए वो गेन विद द वर्कर्स और सेम टाइम पे वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि हम और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें. देखो एक ही तो गोल होता है. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पर्सन जिसने हमें ज्वाइन किया है ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से. जिस काम के लिए वो अपॉइंट किया गया है वो उस काम में अपने 100% लाएगा जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी वजह से अगर उनको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो उसे शेयर करें उनके साथ. बोथ द पार्टी शुड कंसिडर देम बी अ पार्ट एक फैमिली पार्ट मानना चाहिए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप फैमिली के लिए कभी ऐसा नहीं सोचते हो ना कि बस आपको लगता है कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करें. तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपको लगता है कि वी कैन डू दिस थिंग वी हैव दोज स्किल्स वी हैव दोज एबिलिटीज़. आप करोगे इसी तरह मैनेजमेंट आपके बारे में सोचता है. आप अकेले अपनी फैमिली को सर्व करते हो तो फैमिली भी आपके बारे में सोचती हैं. तो इसी तरह जहां आप काम कर रहे हो उसे फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए. व्हेन दिस मेंटल रेवोल्यूशन टेक प्लेस वर्कर्स और मैनेजमेंट टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड इंक्रीजिंग प्रॉफिट ना कि लड़ेंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब दोनों ही सोचेंगे कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए. प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कंपनी उनके बारे में सोचेगी तो अल्टीमेटली कंपनी को भी फायदा होगा और वर्कर्स को भी फायदा होगा. राइट इसमें देर इज एन एग्जाम्पल विच आई कैन गिव यू. लाइक सपोज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यही होता है ना कि कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर लड़ने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन को और वर्कर्स को दोनों को सोचना चाहिए हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन है ना. प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं. मैनेजमेंट को शेयर करना चाहिए इसके लिए वर्कर्स शुड वर्क हार्ड फॉर दिस टू रेज प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड शेयर गेन्स राइट एंड दिस विल लीड टू कंप्लीट हारमोनी. देखो बेटा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने यही पढ़ा है कि मेंटल रेवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है. ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स को एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. इंस्टीड ऑफ थिंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वर्कर्स का काम है टू वर्क हार्ड एंड टू थिंक हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू शेयर द गेन्स amongst the workers क्योंकि ये काम उन्हीं की वजह से हुआ है. मेहनत वर्कर्स ने की है तो ये नहीं कि वो सारा पैसा खुद लेके बैठ जाएं और उन्हें कुछ भी शेयर ना करें. सी आई कैन शो यू अ पिक्चर हियर. प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. प्रोडक्शन बहुत हायर हुआ है और ये देखो मैनेजर है. यहाँ पर मैनेजर इज गिविंग बोनस अपार्ट फ्रॉम वेजेस बोनस टू द वर्कर एंड द वर्कर इज सेइंग थैंक यू. दे बोथ आर लुकिंग हैप्पी.
कैन यू सी दिस, दे बोथ आर लुकिंग हैप्पी. दिस इज कॉल्ड हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विथ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रैक्टिस के बजाय थ्योरी, साइंटिफिक मेथड्स का समझना पहले बहुत ज़रूरी है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में एक मेंटल रेवोल्यूशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन कम्स द कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये एक्चुअली इसी का एक्सटेंड कर लो इसको, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है ये. इंडिविजुअलिज्म शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन और कलेक्टिविज्म. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म, राइट? यहां पर बेटा इंडिविजुअलिज्म, इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ कोऑपरेशन. हमने पढ़ा था ना, जो फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए थे, आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी. आई कुछ नहीं होता व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप अपने घर की बात कर लो ना, देर इज नो प्लेस ऑफ आई, इट्स वी, राइट? इसी तरह अगर आप, इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर. इंडिविजुअलिज्म शुड बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन. देखो, दिस इज एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. कॉम्पिटिशन रिप्लेस होना चाहिए कोऑपरेशन से. बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड रियलाइज द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को इनक्रेज करना चाहिए एम्प्लॉयज को कि दे कैन कम अप विद देयर यू नो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस. और अगर वो अपने सजेशंस देंगे इंडिविजुअल्स, तो उसके बदले में उनको प्रॉपर रिवार्ड दें, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट शुड टेक वर्कर इन टू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन. सी, यहाँ पर ये दोनों, दे बोथ आर लुकिंग हैप्पी ना. इट्स बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर ऑफ द मैनेजर, ऑफ द मैनेजमेंट, यू नो, टू एनकरेज द एम्प्लॉयज, कंस्ट्रक्टिव सजेशन बाय द एम्प्लॉयज बाय ऑफरिंग दैम प्रॉपर रिवॉर्ड. आप कुछ जो आपके माइंड में अच्छा कंस्ट्रक्टिव सजेशन आप दीजिए, उसके बदले में रिवॉर्ड देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की. इससे वर्कर को भी कॉन्फिडेंस आता है, उनको लगता है कि हम भी इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना. इससे क्या होता है, अगर वर्कर्स से बार बार पूछा जाता है कि भाई आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया है तो आप दीजिए. वर्कर्स शुड अवॉइड, आपने सुना होगा, वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, हड़तालों पे, अनरीजनेबल डिमांड करने लग जाते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा. मैनेजमेंट को ये हमेशा बताना चाहिए कि व्हाट वी आर अप टू, व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास कितना है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं. वहाँ पर स्ट्राइक्स होती हैं, वहाँ पर अनरीजनेबल डिमांड्स होती हैं, जहाँ पर वर्कर्स बिल्कुल अननोन होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पूछा जाता. तो मतलब अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट. देयर, अकॉर्डिंग टू द टेलर, देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, इक्वल डिवीजन ऑफ work and responsibility between workers and management. बेटा cooperation not individual में individualism must be replaced with cooperation. सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी काम चलेगा. ये एक extended form है harmony not discord की, जिसमें दोनों को, management और worker को, ये देखना है कि हमारा aim है how to increase profit. अगर profit, उसके लिए worker को hard work करना है और organization को gain share करने हैं. cooperation not individualism में cooperate, individualism, अकेला I is nothing, V is everything. So there should be almost equal division of work. काम किसी के ऊपर कोई overburden नहीं होना चाहिए, कोई less burden नहीं होना चाहिए, ठीक है. Responsibility सबको मिलनी चाहिए, aware कराना चाहिए management को कि भाई हमारी company में क्या चल रहा है. Constructive suggestions उनसे लेने चाहिए, constructive suggestions लेने चाहिए उनसे. उसके बदले में उनको reward देना चाहिए, ठीक है, offer करना चाहिए reward, offer them reward. ओके, इससे
वो किससे बचेंगे, स्ट्राइक्स, मैनेजमेंट एक सेफ साइड पे हो जाएगा, और अनरीजनेबल रीजनेबल डिमांड्स, है ना, बाय द एम्प्लॉयज, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि हमने सजेशन दिया था, हम ऐसा कर रहे हैं और इस वजह से यह प्रॉब्लम हो गई, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हमें सब कुछ पता था, वी आर वेरी मच नोन टू दिस. तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लेना वर्कर्स को इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, सो टुडे आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. We have already discussed the Taylor scientific management, their characteristics, their principles. We have started, the very first one was science not rule of thumb, then harmony not discord, then cooperation not individualism. Only one is left, that is the fourth one, development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. So come to the book, development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. Har worker ka development hona bahut zaruri hai. टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पैरिटी, कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो, कैसे वृद्धि कर सकते हैं वो, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए हर वर्कर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जो कि हमें टेलर ने बताया. एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स. देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया पेंटर का काम है और वेल्डिंग करने वाले को हम कहते हैं आप पेंट कर दो, तो वो उसके लिए टिपिकल हो जाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट हिज जॉब. वर्कर शुड बी ट्रेन टू अवॉइड रॉन्ग मेथड ऑफ वर्क. चाहे कोई भी कितना कैपेबल है, MBA की डिग्री लेकर ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है, उसके बावजूद भी जब प्रैक्टिकली काम होता है तो उस काम में ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय की होनी बहुत ज़रूरी है, किसी भी वर्कर की होनी बहुत ज़रूरी है. आप मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि आप, या तो बहुत टाइम का एक्सपीरियंस हो उनको छोड़ दिया जाता है, उनको भी प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है. बेटा आपने देखा होगा बैंक्स में भी पहले देवर नॉट वेल ट्रेंड विद दी, देवर नॉट वेल एक्वेंटेड विद दी कंप्यूटर्स. वो अपना काम बुक कॉपी के जरिए बहुत अच्छा, पेन और कॉपी के जरिए बहुत अच्छा करते थे, लेकिन अब देव ऑलरेडी लर्न्ड हाउ टू यूज़ दी कंप्यूटर्स. इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम नाउ. तो एक चीज़ होती है, टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस लोगों को भी सीखना पड़ता है. वर्कर शुड बी ट्रेन्ड टू अवॉइड रॉन्ग मेथड ऑफ वर्क. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइंटिफिक तरीके से वर्कर्स को ट्रेन करना ताकि वो बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग देयर वर्क. एज आई हैव टोल्ड यू, हर काम को करने का बेस्ट मेथड होता है, और ये वर्कर को पता चले कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क. इससे वर्कर की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, वो कुछ उसके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो कुछ सीखता है. अब देखो, इफ आई विल बी टीचिंग यू, इफ यू वर देयर इन दी क्लासरूम और मैं आपको पढ़ा रही होती है, क्लासरूम में हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता, तो देयर वॉज समवॉट डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग. इंस्टीड लाइक वी आर लर्निंग हियर विद द ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, तो उसमें दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज एक्चुअली न्यू फॉर मी इवन, विच इज एक्चुअली न्यू फॉर यू इवन, बट वी आर डूइंग इट, है ना. तो टाइम के साथ हर एक चीज़ का सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, वो हमें पता होना चाहिए. हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है. ओके, द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस. आप देखो, सबसे पहले इस एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो वो सिलेक्शन प्रोसेस से शुरू हो जाता है. हर कंपनी को एक सिस्टमेटिक सिस्टम रखना चाहिए सिलेक्शन का, प्रॉपर जॉब एनालिसिस होना चाहिए. जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल है मैनेजर का, तो मैनेजर के लेवल की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें रिक्रूट करना है एम्प्लॉय. ओके, एंड द सिलेक्टेड वर्कर शुड बी असाइन जॉब एज पर देयर कैपेबिलिटी एंड शुड बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर फर्दर. देखना चाहिए हमें MBA पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जॉब प्रोफाइल है, कि वो सुपरवाइज कर सके, गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके लोगों को,
बट उसके लिए उसको भी पहले ट्रेन करना पड़ेगा. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग अंडर यू, व्हाट इज़ अ वे यू कैन ट्रेन द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, राइट. जैसे एग्जाम्पल इज गिवन, अ कंपनी में हैव इट्स ओन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको भेज दिया जाता है. और उनको कौन सिखाता है, सीनियर स्टाफ को भी भेजा जाता है उनको, ताकि वो रिफ्रेश कर सकें, ताकि वो नई टेक्निक्स को दोबारा से भी रिकॉल कर सकें. इससे क्या होता है, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए लोग हैं, उन लोगों को तो ट्रेंड किया जा रहा है, एंड द सीनियर स्टाफ में ऑल्सो बी सेंड फॉर रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू लर्न न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सीनियर स्टाफ ऑल्सो, राइट. सो दैट मीन्स हर स्टेज पर डेवलपमेंट होना वर्कर का बहुत ज़रूरी है, अगर उनसे एफिशिएंसी लेनी है अच्छी तरीके से. ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड विल नाउ स्टार्ट द अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, दैट इज़ मेंटल रेवोल्यूशन, जो अभी अभी आपने पढ़ा है, मेंटल रेवोल्यूशन बिटवीन द कंपनी एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्कर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड लर्निंग.